मैं हूँ हिमानी नथानी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। तो हर दिन की तरह आज के दिन भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास। तो क्या है आज के दिन आपके लिए खास, ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ राशियों में क्या है ये भी आपके लिए लेकर आए हैं। और इसके अलावा आज हम आपको ठीक 7:13 पर जो चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं वो भी आपको बताएंगे, जिसके लिए सभी बड़े बेसब्री से मुझे मालूम है कि यहाँ पर इंतजार करते हैं। आज वो इतना जबरदस्त और कहीं ना कहीं उससे काफी लोग परेशान रहते हैं, ये हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या इसका यहाँ पर कारण है। जी हाँ, कर्ज जो अधिकतर लोगों का सिर दर्द बना हुआ है, कैसे पाए उससे मुक्ति, ये भी जानेंगे ठीक 7:13 पर। लेकिन इसके साथ ही पंडित वैभव नाथ शर्मा, जो कि हमेशा की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज भी आप तैयार हैं दो चमत्कारी उपायों के साथ? जी निश्चित रूप से। तो ठीक 7:13 पर आज हमें पंडित वैभव नाथ शर्मा जी बताएंगे वो खास उपाय कि आखिर क्या है वो खास उपाय। लेकिन शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। आज का दिन क्या कहता है, आज के नक्षत्र की अगर बात करें आचार्य जी तो क्या? हिमानी, किसी भी दिन की शुरुआत अगर हम पंचांग को जान करके करते हैं और उस दिन को समझ करके करते हैं कि उस दिन का नक्षत्र क्या है, योग कैसा है, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। पंचांग का मतलब होता है, अर्थ होता है पांच अंग, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। अगर इस तिथि में, किसी विशेष तिथि में आप उस तिथि के हिसाब से कार्य करते हैं तो आपको बहुत उत्तम लाभ मिलते हैं। तो आज का जो पंचांग है वो इस प्रकार है कि विक्रम संवत 2067, मास है चैत्र, तिथि कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, मंगलवार का दिन है, आज का नक्षत्र है स्वाति, योग है व्याघात, करण है वृष्टि। तो बात हुई आज के पंचांग के, साथ ही साथ आपकी राशियां आज क्या कह रही हैं, सितारे कितने बुलंदियों पर आज आपके पहुंच गए हैं ये भी हम जानेंगे। इसके अलावा अगर आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश कर रहा है, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो आगे जानेंगे क्या है आपकी राशियों का हाल, लेकिन फिर क्या है ऐसा चमत्कारी उपाय जो आपको जीने की एक सही राह दिखाएगा, आप घुट घुट कर तो नहीं जिएंगे? चलिए हम देखेंगे यहाँ पर 7:13 पर कि आखिर क्या है वो चमत्कारी उपाय जिससे आपको मिलेगी निजात। क्या है आपके ग्रह नक्षत्रों की चाल और किस तरह से आप इस कर्ज से पा सकते हैं मुक्ति, क्या आप कर्ज के बोझ के तले दबते जा रहे हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा जी, जो कि आपको बताएंगे कि आपका कैसा रहेगा आज का दिन और हमारी इस खास पेशकश जिसके लिए हमारे लाखों दर्शक इंतजार करते हैं उस घड़ी का जब बताए जाते हैं खास उपाय, यानी कि चमत्कारी उपाय। लेकिन आज की घड़ी है 7:11 नहीं बल्कि 7:13 पर और आज पंडित वैभव नाथ शर्मा जी ये भी बताएंगे कि कैसे कर्ज से आप पा सकते हैं मुक्ति और कैसे अपना कल्याण कर सकते हैं, और ये भी बताएंगे साथ ही ठीक 7:44 पर कि कैसे आप रोगों से पा सकते हैं मुक्ति। तो देखते रहिए IBN 7 की ये खास पेशकश, क्योंकि अगले 13 मिनट आपको क्या चमत्कारी उपाय मिल जाए शायद आपको नहीं पता होगा कि किस तरह से ये आपकी जो जीवन की जो जीने का एक तरीका है उसे बदल देगा। तो चलिए ये तो हम जानेंगे, लेकिन अब हम रुख करते हैं राशि फल की ओर और सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन में आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज के दिन में आपको अपने जो पहल करने का
क्षमता है, जो आपके चरित्र का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षमता है। आप किसी भी कार्य को आगे बढ़ करके ओनरशिप लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, उसकी शुरुआत आपको करनी है। इस समय में आपको ऐसी भी स्थिति आ सकती है अपने कार्य क्षेत्र में, अपने समाज में, जहां आपको दूसरे के अधिकार के लिए, दूसरे के हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। तो इस स्थिति में आपको बहुत मजबूत होना होगा और अपने स्वभाव व पराक्रम के सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा दिन है आज। आज के दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें, ये भी बहुत आवश्यक हो जाता है। तो आज के दिन आपको ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। उसी के साथ साथ यदि आप किसी वृद्ध व्यक्ति की या रोगी व्यक्ति की सेवा करते हैं तो निश्चित माने कि आपको बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। चलिए, तो ये तो बात हुई मेष राशि वालों की कि कैसा रहेगा उनका आज का दिन। लेकिन साथ ही साथ अगर अब हम बात करें वृषभ राशि की, आचार्य जी, तो वृषभ राशि को क्या करना चाहिए और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आपकी बता रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, तो वृषभ राशि के सितारे क्या कहते हैं? वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन में आर्थिक स्थिति बहुत प्रबल होने वाली है, बहुत मजबूत होने वाली है। आपको अपने कार्यक्षेत्र में लाभ मिलेगा। आप जो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में विद्यार्थी हैं उनको भी बहुत अच्छी आज के दिन लाभ मिल सकता है। आपके लिए आगे बढ़ने की संभावना बहुत बढ़िया है, अपार संभावनाएं प्राप्त हो सकती है। आज के दिन में आपको भवन भूमि वाहन के विषय में क्रय विक्रय खरीदने में, अगर आप खरीदना चाहते थे या बेचना चाहते थे, तो उस क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज के दिन आपको अपने संचित धन से अपने व्यापार के विस्तार के लिए बहुत अच्छा लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। आज के दिन क्या करें और क्या न करें, तो आज के दिन मंदिर में सेवा करना आपके लिए बहुत उत्तम होगा। किसी मंदिर में जाकर के माता की सेवा करें या भगवान श्री शंकर की सेवा करें। उसके साथ साथ ओम क्लीं ग्लौं श्याम लंगाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना आपको बहुत उत्तम लाभ दे सकता है। आज के दिन बहुत ज्यादा साहसी न बने, बहुत ज्यादा निडर होकर के कहीं निवेश न करें, या यूं कह सकते हैं कि निवेश के कोई बहुत बड़े कदम ना उठाए। बिल्कुल, तो जो भी कुछ काम करें, ऐसा भी नहीं आचार्य जी यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ ना करें, करें लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर, सूझबूझ के साथ। चलिए, तो ये तो बात हुई मेष और वृषभ राशि की, लेकिन आगे मिथुन राशि और कर्क राशि के सितारे यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो भी हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम अपने दर्शकों को यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे कि कर्ज से कैसे मुक्ति आप पा सकते हैं, क्यों आप कर्ज के बोझ के तले दबते जा रहे हैं, क्या आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, क्यों आखिर आपके साथ ऐसा हो रहा है, इसके लिए आपको करना होगा बस चंद लम्हों का इंतजार। जी हाँ, बस सब कुछ लम्हों का, कुछ पलों का, कुछ सेकंड्स का और इंतजार यहाँ पर आपको करना होगा और यहाँ पर आपको वो चमत्कारी उपाय पता चल जाएगा। आईबीएन 7 पर लाइव आप इन चमत्कारी उपायों को जान रहे हैं, साथ ही साथ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके राशि फल की भी। आचार्य जी, अब यहाँ पर बात आती है मिथुन राशि की, क्योंकि वो भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए आज क्या है खास। जी अवश्य, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है कि आपके कार्य क्षेत्र में, आपके परिवार में, आपके व्यापार में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय थे उनको लेने में आप बहुत ज्यादा धैर्य के साथ निर्णय लेंगे, बहुत सोच समझ करके निर्णय लेंगे, लेकिन साथ ही साथ उसको लेने में आप बहुत ज्यादा विलंब ना करें। अगर बहुत अनिवार्य निर्णय है और आपने बहुत विलंब कर दिया तो बहुत बड़ा आर्थिक लाभ आपके हाथ से जा सकता है। तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लें और ज्यादा समय ना गंवाएं। आज के दिन में कोर्ट कचहरी के अगर कोई बहुत खास मामले काफी समय से लंबित चल रहे थे तो उनको भी नजरअंदाज करना आपके लिए आपके पक्ष में नहीं होगा। अच्छे से पूरे मन से धैर्य के साथ अपने कार्य क्षेत्र में लगे। आज के दिन अपने व्यय को नियंत्रित रखना अर्थात खर्च को नियंत्रित रखना आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में काफी सहयोग कर सकता है। आज क्या करें और क्या ना करें, आज के दिन ओम श्री नमः कृष्णाय पूर्णतः रामाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। उसके साथ साथ आज के दिन अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा मानसिक तनाव लेने से आपको बचना चाहिए। बिल्कुल, तो मानसिक तनाव लेने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए और वैसे भी वो कहा जाता है ना कि टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए क्योंकि टेंशन करके कोई काम यहाँ पर अच्छा नहीं होने वाला है, इसलिए सोच समझकर आराम से इस काम को आप कीजिए। साथ ही साथ कर्क राशि वालों के लिए आज, मतलब मैं कर्क राशि क्यों, मैं ये कहूंगी मेरे लिए आज क्या है खास।
देखिए हिमानी, कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन स्वयं में विश्वास रखना अर्थात अपने विल पावर को मेंटेन रखना, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। आपके आज की दिनचर्या में बहुत अच्छे पल आ सकते हैं जिसमें आपको अपने कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने का बहुत अच्छा अवसर मिल सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा अनिवार्य यह है कि आपको अपनी वाणी को और अपने व्यवहार को बहुत नियंत्रित रखना है। जब भी बोले सोच समझ करके और नपातुला बोले, और आज के दिन अपने कार्यक्षेत्र में अपना मैनेजमेंट की जो आपकी क्षमता है आपको उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करना है, बहुत सोच समझ करके काम करें। इस समय में आपके लिए निवेश का बहुत उत्तम समय बन सकता है, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज क्या करें और क्या ना करें ये भी बहुत आवश्यक हो जाता है, तो ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना आपको बहुत विशेष लाभ देगा। आज के दिन आप बहुत सोच समझ करके निर्णय लें, कार्य क्षेत्र में जल्दीबाजी से बचना चाहिए। तो मतलब मिला जुला है, मैं ज्यादा खुश भी नहीं हो सकती हूँ और ज्यादा दुखी भी नहीं रह सकती हूँ क्योंकि मिली जुली चीजें यहाँ पर आचार्य जी ने कर्क राशि वालों के लिए बताई है। लेकिन 7:13 पर क्या है आपके लिए खास, ऐसा क्या चमत्कारी उपाय आपको बताने वाले हैं यहाँ पर मौजूद पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। के बाद हम इस सफर को और आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं आचार्य जी सिंह राशि वालों की, कि सिंह राशि के लिए क्या आज पूरा सिंह वाला दिन है या फिर कुछ ऊंच नीच। यहाँ पर सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन अपने कार्य क्षेत्र में आपको विदेश यात्रा से संबंधित या अगर आप विदेश से संबंधित कोई कार्य कर रहे थे तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज का दिन इस मायने में आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है, विशेषकर आयात निर्यात से संबंधित लोग, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोगों के लिए आज के दिन कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा दिन हो सकता है। आज के दिन आपके कार्य क्षेत्र में परिवार में सामाजिक प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होने वाली है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आज का दिन कह सकते हैं आप अगर योजनाबद्ध तरीके से अर्थात प्लान्ड वे में काम करेंगे तो निश्चित ही बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपको बहुत उत्तम फल दे सकता है, और आज के दिन क्या ना करें इस बात की भी अनिवार्यता बहुत ज्यादा है। तो आज के दिन आपको करना यह है कि आप बहुत ही विश्वास में, कॉन्फिडेंस में, सामने वाले के ऊपर विश्वास करके अपने कार्य की बात, अपने मन की बात, आपके कार्य के जो टिप्स हैं, जो अंदर के सीक्रेट्स हैं, जिसको ट्रेड सीक्रेट कहते हैं, आप हर व्यक्ति के सामने बोल देते हैं, इस चीज से आपको बचने का प्रयास करना है क्योंकि कहीं ना कहीं से वो बात आपके शत्रुओं तक जाती है जिससे आपका काम बाधित होता है। तो आज के दिन अपने कार्य की जो गुप्त बात है वो हर किसी से चर्चा ना करें। बिल्कुल, तो हर किसी से आप इस बात की चर्चा ना करें, क्या आपको करना चाहिए ये भी आपको आचार्य जी ने बताया, तो बस थोड़ा सा आप कंट्रोल अपने जो बातें हैं उस पर रखेंगे तो आपके सारे काम खुद ही बनते चले जाएंगे। लेकिन 7:13 पर क्या है आपके लिए खास, आइए एक बार फिर से इस पर नजर डालें। तो आपने देखा कि किस तरह से कर्ज की बात आप बोझ तले यहाँ पर दबते जा रहे हैं। लेकिन आचार्य जी से मैं यहाँ पर एक बात और यहाँ पर कहना चाहूंगी, कर्जा एक ऐसी चीज है कि मतलब दीमक की तरह ये धीरे धीरे आपको अंदर से एकदम खाया जाता है। 7:13 अब हो चुके हैं और कुलबुलाहट जो है लोगों की वो बढ़ती जा रही है, तो अब आप इस कुलबुलाहट को कम कर दीजिए और इस चमत्कारी उपाय को बता दीजिए। जी निश्चित हिमानी, कर्ज एक ऐसी चीज है यदि किसी व्यक्ति पर आ जाए, किसी परिवार पर आ जाए, तो वो उस परिवार के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। ऋण ऐसी स्थिति भी होती है कि उतारे नहीं उतरता, और एक सबसे बड़ी बात जानने की है कि ऋण के लिए भी हमारे शास्त्रों में कुछ निश्चित दिन बताए गए हैं।
मंगलवार के दिन आपको कभी भी किसी भी प्रकार का ऋण नहीं लेना चाहिए, अर्थात कर्ज नहीं लेना चाहिए। उससे ऐसी स्थिति बनती है कि कोई भी जातक कितना भी प्रयास करे तो वह कर्ज उतारे नहीं उतरता। वहीं अगर आपको ऋण की आवश्यकता पड़ती भी है, आप अपने किसी इष्ट मित्र से लेते हैं, परिवार से लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो आपको वो प्रोसीडिंग्स, वो कार्यवाही, या आप अगर किसी से बात करना चाहते हैं कर्ज के लिए, तो बुधवार से शुरू करना चाहिए। बुधवार का दिन कर्ज लेने के लिए और कर्ज देने के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। जिस दिन आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देना है, आप प्रयास करें कि कर्ज की पहली किस्त बुधवार को जाए। यदि बुधवार को जाती है तो आपके कर्ज उतरने का जो प्रक्रिया है, जो रास्ता है, वो बहुत आसान हो जाता है। आप जितनी आसानी से कर्ज आपको मिलता है, उतनी आसानी से आप उसको वापस भी कर देते हैं। और इस कर्ज को उतारने के लिए बड़े ही चमत्कारिक प्रयोग हमारे शास्त्रों में हमारे पुरातन ऋषि मुनियों ने बताए हैं। उसमें एक बड़ा सरल, बड़ा अच्छा, बड़ा चमत्कारिक प्रयोग वो है, वो इस प्रकार है कि हमें इसमें इस प्रयोग को करने के पहले कम से कम 21 पीपल के हरे पत्तों की आवश्यकता पड़ेगी। जिस प्रकार से देख रहे हैं आप, हमने यहाँ पे 21 हरे पत्ते लिए हुए हैं, और उसके साथ साथ आपको आवश्यकता है एक अनार की कलम की। आप अनार की एक डंडी ले लें जिसको आप कलम स्वरूप बना लेंगे। उसके साथ साथ यहाँ हमने लाल चंदन रखा हुआ है, लाल चंदन की भी उतनी ही आवश्यकता है। और ये मौली होती है जिसको हम कलावा कहते हैं, जो हम लोग किसी भी पुण्य काल में, किसी भी पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं। इसको आपको अपनी लंबाई के अनुपात में लेना है, अपनी सिर से लेके पांव तक उसको आप नाप लें, उस अनुपात में ले लें। और ये जो रोली बनाई हुई है, इसकी हमको स्याही बनानी है, अर्थात इसको गंगा जल से घोल करके इससे एक इंक तैयार करनी है। और उस इंक को तैयार करके इस पीपल के पत्ते को हम लोग साफ कर लेंगे, शुद्ध कर लेंगे, और उसको शुद्ध करने के बाद उस स्याही से, उस इंक से, इन पीपल के पत्तों पे हम राम नाम लिखेंगे। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे राम नाम लिखा हुआ है, और उस हर पत्ते पर आपको राम नाम लिखना है। वो राम नाम लिखने के बाद आपको करना यह है कि इस धागे में आप इन सारे पत्तों को पिरो करके इसकी एक माला बना लेंगे। जिस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं, हमने इसकी पूरी एक माला बनाई हुई है। ये माला बना लेने के बाद आप अपने आसपास के किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं, वहां पे जाकर के आप ये माला भगवान श्री हनुमान को अर्पित कर दें, और वहां बैठ करके आपको ऋण मोचक मंगल स्त्रोत के 8 पाठ करने हैं। ये प्रयोग यदि कोई भी व्यक्ति शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करके नियमित 43 दिन तक करता है, और भगवान श्री हनुमान को यह माला अर्पित करता है, यह माला कम से कम 21 पीपल के पत्तों की होनी चाहिए। हिमानी, ये बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। उसके बाद किसी भी जातक की श्रद्धा है, वह 51 भी ले सकता है, 108 भी कर सकता है, उसमें कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन कम से कम 21 पत्ते अवश्य होने चाहिए। जब आप ये कर लें, फिर उसको करने के बाद वहां मंदिर में मंगल से जुड़ी जो दान की वस्तुएं हैं, सर्वप्रथम तांबे का पात्र होना बहुत अनिवार्य है, 1.25 किलो गेहूं का होना बहुत अनिवार्य है, गुड़ का होना 1.25 या 1.25 किलो होना बहुत अनिवार्य है, लाल वस्त्र, कोई ऐसा वस्त्र ले लें, एक दुपट्टा ले सकते हैं, गमछा ले सकते हैं, जिसको वो ब्राह्मण अपने दैनिक दिनचर्या में प्रयोग करे, तो इस प्रकार का कुछ सामान लेकर के। उसके साथ साथ माचिस का होना, क्योंकि वह अग्नि से संबंधित है, मंगल देवता अग्नि के देवता है, ऋण के देवता है, ऋण जला देता है किसी भी परिवार को, किसी भी व्यक्ति के जीवन को, तो एक माचिस का होना, कुछ दक्षिणा के साथ आप इन सारी चीजों को लेकर के आप ब्राह्मण को सम्मान देंगे। ये प्रयोग जब आप 43 दिन कर लें, तो निश्चित माने कि आपके परिवार बिल्कुल इतना भी बड़ा से बड़ा कर्ज वो तत्काल उतर जाएगा। जी जी बिल्कुल, और बहुत ही सरल उपाय यहाँ पर आचार्य जी ने बताया है। मेरे ख्याल से इसे कोई भी आवाम जो है वो आसानी से कर सकता है। तो आगे भी हम जानेंगे कि और क्या चमत्कारी उपाय हमको आचार्य जी बताने वाले हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। हम बात कर रहे हैं आपके राशि फल की। आइए आप जान लेते हैं कि कन्या राशि के लिए आज कैसा दिन रहने वाला है। आचार्य जी, अगर बात करें अब कन्या राशि वालों की, तो कन्या राशि को क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए।
कन्या राशि वाले जातकों को आज के दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में बहुत अहम भूमिका निभानी पड़ सकती है। आज के दिन आपके उच्चाधिकारियों द्वारा आपके कार्य की सराहना होने वाली है, आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलने वाला है। आज के दिन क्या करें, तो आज के लिए आपका मूल मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। और आज के दिन जो आपकी प्रायोरिटी वर्क है उनको नजरअंदाज न करें, उनको इग्नोर न करें, महत्वपूर्ण कार्य को तत्परता के साथ करें। चलिए, हमारी ये खास पेशकश आगे भी जारी है, आगे हम जानेंगे कुछ और राशियों के बारे में भी, साथ ही साथ चमत्कारी उपाय भी। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा कुछ पलों के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले एक नजर डालें कि 8 बजे क्या है। क्या आप लोगों को रोगों से नहीं मिल पा रही है मुक्ति? क्या आप लोग परेशान हो चुके हैं इन रोगों से? क्या आपको कोई उपाय नहीं सूझ रहा? तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ठीक 7:44 पर आचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा आपको बताएंगे इसका उपाय। चलिए इस बार अब रुक कर लेते हैं राशिफल की ओर एक बार फिर से। और अब आचार्य जी हम बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की कि आज तुला राशि वालों के लिए क्या है खास। तुला राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन अपने कार्यक्षेत्र में रिस्क लेने से बचना है। आज के दिन कोई बहुत बड़ा रिस्क अपने कार्यक्षेत्र में न लें। आज के दिन आपके सफलता प्राप्ति का दिन बहुत अच्छा है, आत्मविश्वास के साथ काम करें, बहुत अच्छा आपका दिन जाने वाला है। आज के दिन कार्यक्षेत्र में अर्थ लाभ की स्थिति बनती है। आज के दिन क्या करें और क्या न करें ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो आज के दिन आपका मूल मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना और घर से निकलते समय एक चम्मच चीनी मुख में रख करके निकलना आपको बहुत बढ़िया लाभ देगा। आज के दिन आपको बच्चों में अध्ययन सामग्री का वितरण करना है, आपको बहुत उत्तम लाभ मिलने वाला है। चलिए, तो ये तो बात हुई तुला राशि वालों की कि आखिर क्या उन्हें करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, तुषार दिल्ली से। तुषार, आप अपनी बहुत डिटेल्स बताएं, उसके बाद जो भी प्रश्न आप अपना करना चाहती हैं आप अपना प्रश्न रखें। जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, बताएं तुषार जी। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर 1976। जी मेरा डेट ऑफ मेरा टाइम है 13:10। जी और मेरा प्लेस है कटक उड़ीसा। जी, किस विषय में जानना चाहते हैं पंडित जी? मैं सिर्फ 3 सवाल बड़े छोटे छोटे पूछना चाहता हूँ। एक तो मेरी एज बहुत हो गई है, 34 हो गई है, मेरी अभी तक कुछ शादी नहीं हुई है, क्या मैं घर और गाड़ी कर सकता हूँ? देखिए तुषार, आपकी कुंडली के हिसाब से, अभी आपकी कुंडली के अनुसार इस समय केतु की दशा चल रही है और केतु की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी नहीं है, जिसने आपका बहुत ज्यादा नुकसान किया है। कह सकता हूँ इस समय मानसिक तनाव का स्तर बहुत ज्यादा होगा। इस समय में यदि आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि केतु की महादशा में शनि की अंतरदशा और शनि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में बैठ गया, और जब सप्तम भाव में शनि बैठ जाए तो निश्चित मान लें कि विवाह विलंब से होना है। आपकी कुंडली तो मांगलिक भी बनती है, तो इस समय में यदि आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, केतु और शनि के दुष्प्रभावों को दूर करने का उपाय करते हैं, तो निश्चित मानिए आपके जो 3 प्रश्न थे ये भी सिद्ध हो जाएंगे और आपका जन्म सफल हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि तुषार आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। भगवान शिव की आराधना आपको बहुत लाभ देने वाली है। इस वक्त एक और कॉलर अनंत लाल हमारे साथ पटियाला से जुड़ गए हैं। अनंत, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं और उसके बाद समय बताएं, जन्म स्थान बताएं, और जो भी आपका प्रश्न है आप अपना प्रश्न रखें। मैं अनंत लाल पटियाला से बोल रहा हूँ। जी बताएं। सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15/5/84। जी। समय है 4 बजे शाम। जी सर, मुझे सरकारी जॉब नहीं मिल रही, कहाँ से? मैं काफी देर से लगा हुआ हूँ जॉब ढूंढने के लिए, मिल नहीं रही है। जी अनंत, आपकी जन्म कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा है। कह सकता हूँ इस समय कुछ मानसिक तनाव के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी बहुत ज्यादा होगी, और आपके पास आर्थिक समस्या का भी बहुत बड़ा भंडार पड़ा हुआ है। आपके पास आपके सिर पे कर्ज भी हो सकता है और आपका धन आपके पास टिकता नहीं है। तो इस समय कह दूं कि जीवन बहुत ज्यादा समस्याओं से ग्रसित है। इस समय में वर्तमान परिस्थिति में आपको हनुमत आराधना के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप जितनी अधिक से अधिक भगवान हनुमान की आराधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, मंगलवार के दिन आज का दिन बड़ा उपयुक्त हो सकता है। आप थोड़ा सा सिंदूर ले लें और उसके साथ साथ चमेली का तेल ले लें, किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर के, जिसको चोला अर्पित करना कहते हैं, भगवान हनुमान को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करें। वहां आप ब्राह्मण से आग्रह कर सकते हैं कि ये आपके समक्ष भगवान को लगा दिया जाए। तो इस तरीके से
आप जब थोड़ा इसको लगातार करते रहें, कम से कम आपको 18 मंगलवार ये प्रक्रिया करनी होगी। निश्चित मानिए अनंत जी कि आपकी जो समस्या है धीरे धीरे करके आपका घर, आपका परिवार सब कुछ छोड़ देगी, आप बहुत ही सुखी हो जाएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि अनंत जी आपको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन अनंत के बाद अब हम यहाँ पर बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की, वृश्चिक राशि के लिए आज क्या है खास। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन अपने कार्य क्षेत्र में बहुत आराम की स्थिति रहने वाली है। कह सकता हूँ कि जितनी आपने व्यर्थ की भागदौड़ की है, जितनी ऊर्जा अभी तक आपने अपने कार्य क्षेत्र में लगाई है, अब ये समय है कि आप उसका रिजल्ट ले सकते हैं। इस समय में आपको बौद्धिक योग्यता और क्षमता का लाभ मिलने वाला है, तो अच्छे लाभ की तैयारी में लगे रहें और अपनी दूरदर्शिता बनाए रहें, अपने कार्य क्षेत्र में अपना विजन न खोएं। आज क्या करें और क्या न करें ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आज के दिन ओम बम बटुकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना, अर्थात आज के दिन भगवान बटुक भैरव की आराधना करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। और आज के दिन आपको प्रयास करना है, आज आपका दिन आपके साथ है, दिन अच्छा है, अर्थ लाभ की स्थिति दिखाई देती है, तो हर किसी व्यक्ति से कटु वचन ना बोले, मीठे शब्द बोले, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल, और कहा भी जाता है कि आप कोई भी काम गुस्से से ज्यादा आप प्यार से करवा सकते हैं। अगर मीठा आप किसी से बोलते हैं तो आप आसानी से उस काम को करवा सकते हैं। तो ये तो बात हुई वृश्चिक राशि वालों की, लेकिन साथ ही साथ वृश्चिक राशि के बाद अब हम अगर बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि वाले भी बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आज उनकी राशि में क्या है खास। धनु राशि वाले जातकों को आज के दिन अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा सचेत रहना है। आज ऐसा दिखता है कि यदि आप पार्टनरशिप जॉब में हैं, कोई ऐसा व्यापार करते हैं जिसमें आपके साथ और भी लोग हैं, तो कुछ आपस में मतभेद हो सकते हैं, परिवार में भी वाद विवाद की स्थिति है, दाम्पत्य जीवन में भी कुछ तनाव की स्थिति दिखती है, लेकिन आपके प्रयास से सुख और आराम बढ़ जाएगा और जो तनाव था वो दूर हो जाएगा। तो इस समय में आपको इनिशिएटिव लेना है अपने परिवार का, व्यापार का तनाव दूर करने के लिए। आज क्या करें ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज के दिन ओम व्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज की दिनचर्या में क्या ना करें, आज ऐसे योग दिखाई देते हैं कि आज पिता से कुछ वाद विवाद हो सकता है, तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, तो ये तो बात हुई कि पिता से यहाँ पर आपको कोई भी वाद विवाद अगर हो तो उससे बचना ही चाहिए। लेकिन उसके साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि के लिए आज सितारे क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए इस समय में शीघ्र लाभ कमाने वाले, अर्थात शॉर्टकट्स की तरफ आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। आपके आत्मविश्वास में जो कमी है, आप उस कमी को दूर करने का प्रयास करें। पूरी मेहनत से, पूरी क्षमता से और पूरी शुद्ध ऊर्जा से, भावना से आप अपने कार्य क्षेत्र में लगे। आप विद्यार्थी हैं, आप व्यापारी हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस समय अपने कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, जिनको आपको अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से दूर करना है। तो इस समय में आत्मविश्वास में कमी ना आने दें। आज क्या करें और क्या ना करें ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात बन जाती है। तो आज के दिन ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना और इस मंत्र के साथ दिन की शुरुआत करना बहुत अच्छा हो सकता है। और एक चीज आपको नहीं करना चाहिए, वह यह है कि अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपने मन का भाव आप किसी से विश्वास में हर व्यक्ति से चर्चा ना करें। जो आपके बहुत करीबी हैं उनसे ही चर्चा करें, हर व्यक्ति से इस बात को आपको नहीं करना चाहिए। तो ज्योतिष आचार्य वैभवनाथ शर्मा आपको बता रहे हैं आपके राशि फल क्या कुछ कह रहा है। तो अगर आप भी इस कार्यक्रम के जरिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जो भी आपके मन में शंका हो या जो भी प्रश्न आप करना चाहते हैं आप उसे पूछ सकते हैं। कुंभ राशि की अगर यहाँ पर हम बात करें, तो कुंभ राशि के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कुंभ राशि को करने से बचना चाहिए आचार्य जी। जी अवश्य हिमानी, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन अपने परिवार की तरफ से आपको कुछ तनाव मिल सकता है, और तनाव ऐसा कि जैसे परिवार में छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाए, जिसको लेकर के आपको बहुत ज्यादा चिंता हो जाए। आज के दिन आपको अपने खान पान पे और परिवार का बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आज के दिन बहुत ज्यादा कहीं बाहर खाएं पिए ना और बहुत ज्यादा तनाव ना लें, व्यर्थ की यात्रा से बचने का प्रयास करें। आज के दिन में क्या करें क्या ना करें ये भी बहुत ज्यादा मायने की बात है। तो आज के दिन ओम रांग रामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आज के दिन दिनचर्या में अपने कार्य क्षेत्र में लालच प्रलोभन से बचना चाहिए, किसी के बहकावे में आकर के कोई काम न करें, लालच से बचें। बिल्कुल, और वैसे भी लालच बुरी बला होती है, तो इसलिए लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आगे मीन राशि के बारे में जानेंगे और साथ ही 7:44 का मुझे भी इंतजार है आप लोगों के साथ साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। और इससे पहले कि हम उस चमत्कारी उपाय को जानें, आइए मीन राशि के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं, क्योंकि मीन राशि अब एक बची है और बहुत ही बेसब्री से सब लोग इंतजार कर रहे हैं मीन राशि वाले। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ तनाव की स्थिति दिखाई देती है, तो आज के दिन आपको प्रयास करना चाहिए कि आप माता पिता का कुछ विशेष ध्यान रखें, उनको कुछ खुशी अपनी तरफ से देने का प्रयास करें और उनको स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक करना ये आपका दायित्व बनता है। आज के दिन आपके व्यापार के लिए, आपके कार्यक्षेत्र के लिए, नौकरी के लिए बहुत लाभ से परिपूर्ण है। आज के दिन को और अच्छा करने के लिए, आज के दिन के सब कष्ट को दूर करने के लिए ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। उसी के साथ साथ आज के दिन आप अपने आत्मविश्वास में कमी ना आने दें। आज के दिन कार्यक्षेत्र में कुछ हिचक आ सकती है मन में किसी काम को करने में, तो ऐसा ना होने दें, आत्मविश्वास बना के रखें, बहुत लाभ से परिपूर्ण समय है। बिल्कुल, काफी अच्छा ये समय है, लाभ से परिपूर्ण है, लेकिन 7:44 हो चुके हैं, तो अब लोग जो हैं, जो रोगों से बहुत ही ज्यादा परेशान है, निजात नहीं मिल पा रही है, कैसे निजात मिले? हिमानी, ऐसा अक्सर देखा जाता है हमारे समाज में, हमारी दिनचर्या ऐसी होती है कि आपको बहुत ज्यादा गंभीर रोगों का सामना करना पड़ सकता है। आपके परिवार में कोई बहुत ज्यादा गंभीर हो सकता है, वह अवस्थाजन्य भी हो सकता है, अर्थात उनकी आयु भी ऐसी हो सकती है कि उनको बहुत कष्ट हो जाए, शरीर में बहुत ज्यादा गंभीर रोग हो जाए, या अगर कोई बहुत युवा है और बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाए तो पूरा परिवार ऐसी स्थिति में बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया क्या है कि जातक के साथ, अर्थात जो रोगी व्यक्ति है उसके साथ साथ उसके परिजनों की भी जिम्मेदारी बहुत बनती है। ऐसी स्थिति में करना यह है कि आप थोड़े से गुड़ मंगा लें, कम से कम 5 किलो गुड़ मंगा लें, और जो भी रोगी व्यक्ति है उसके हाथ से स्पर्श करा लें, और ये प्रयोग आपको मंगलवार के दिन करना है। ये बड़ा ही चमत्कारिक प्रयोग है। यदि आप इस प्रयोग को नियमित 8 मंगलवार करते हैं तो निश्चित माने कितना भी बड़ा से बड़ा, कितना भी गंभीर से गंभीर रोग हो, जिसके लिए डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया हो, तो उस रोग में भी आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। करना यह है कि आप उस रोगी व्यक्ति के हाथ से गुड़ स्पर्श करा करके किसी ऐसे स्थान पर डालें, किसी ऐसे निकृष्ट स्थान पर, गंदे स्थान पर डालें जहां सुअर उसका भक्षण कर सके। जितना अधिक से अधिक सुअर उस गुड़ का भक्षण करेंगे, आप ये मान लें कि उस रोगी व्यक्ति का रोग जाता रहेगा, उसका रोग उतर जाएगा, धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में लाभ मिलने लगेगा, और उसके बाद जो भी आप उपाय करेंगे, दवा करेंगे, वो उसके शरीर को लगेगा, उसके रोगों को नियंत्रित करेगा। उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग कर लेना 108 बार पूरे परिवार के साथ साथ, या ओम आदित्याय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अच्युताय नमः, इस मंत्र का जाप कर लेना भी बहुत लाभकारी होता है। बिल्कुल, वाकई में काफी चमत्कारी उपाय ये है, और इस तरह से आप लोगों को मिल सकती है अपने रोगों से मुक्ति। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, इतनी अहम जानकारी आपने दी। तो कल भी मैं उम्मीद ये करती हूँ कि 2 चमत्कारी उपाय हमारे जो दर्शक हैं इंतजार करेंगे, दिल की धड़कनें आप बढ़ा देते हैं कि आखिर क्या ऐसा खास होने वाला है 7:13 पर। जी अवश्य। और इसी के साथ आज के हमारे इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, तो इसी वादे के साथ हमें इजाजत दीजिए कि कल हम फिर हाजिर होंगे आपके राशिफल और साथ ही साथ चमत्कारी उपाय के साथ। नमस्कार। चलत राम।